हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं योगा लैडर के बारे में। योगा लैडर मीन्स योग की जो सीरी है योगा, जो कि आजकल योगा हर जगह फैली हुई है। क्या असली योगा है, क्या नकली योगा है, ये हमें नहीं पता। तो योगा के बारे में बताने से पहले, उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड आता है, वो एपिसोड है भोगा का। कि जितना मर्जी मस्ती करना है, जितना मर्जी भोग करना है कर ले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जितना क्लब में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जो करना है शैंपेन खोलना है सब कर ले, जो करना है कर ले, क्योंकि भोग पूरा कर लेते हैं उसके बाद तो समाधि के स्टेज पे चला जाएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन भोग करने के बाद भी हमें लगता है समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो है जो मिसिंग है। फिर भी हमें अपना अंदर को लगता है कि समथिंग इज हॉलो एंड शैलो, कुछ तो है, कुछ तो है जो बहुत ही ज्यादा हॉलो है, बहुत ही ज्यादा शैलो है। देन पीपल टर्न्स टू योगा, फिर लोग योगा की तरफ मुड़ते हैं। द पीपल शेल्टर लेते हैं, आश्रय लेते हैं योगा। अच्छा, और ये जो योगा है, ये योगा मार्केट में एक हॉट केक की तरह सेल होता है ये योगा। तो हम लोग योगा तो करते हैं, लेकिन हम योगा के पहले हम ये चर्चा करेंगे कि क्या योगा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो हमें लगता है कि वो योगा है, लेकिन असल में वो योगा होता नहीं है, वो कुछ और ही होता है, लेकिन हमें क्या लगता है वो तो योगा है। जैसे क्या हो गया कि कुछ लोग योगा करने जाते हैं व्हाट फॉर बॉडीली फीचर्स। मान लो किसी का ट्रैक्टर टायर निकला हुआ है या फैमिली पैक निकला हुआ है, वो योगा करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे ऐसे जो करना है कर लेगा, ऐसे मोड़ेगा वैसे मोड़ेगा, टांग को इधर, हाथ को पीछे से ऐसे करके नाक पकड़ेगा, वो कान पकड़ेगा, ये करेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्लिम करना है अपने बॉडी। क्या ये योगा है? नो, इट्स नॉट योगा। इसको हम लोग वैदिक वर्शन ऑफ एरोबिक कह सकते हैं, लेकिन ये योगा नहीं है। अच्छा, और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कि फॉर इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन, उम्र बढ़ाने के लिए हम लोग योगा करते हैं। लेकिन कितने ही सारे पेड़ पौधे हैं, लाइक देयर आर ट्रीज नोन एज साकोया ट्री, जो लोग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इयर्स जिंदा रहते हैं। तो क्या वो लोग योगी है? तो फिर तो ऐसे तो सारे पेड़ों को योगी होना चाहिए, समाधि में होना चाहिए। क्या लाइफ स्पैन को बढ़ाना क्या ये योगा है? नो, इट्स नॉट योगा। अच्छा, तो मेडिटेट ऑन सेल्फ, ओम सो हम सो हम सो जाओ, क्या ये योगा है? नहीं, ये भी योगा नहीं है। आजकल ये जो दुकान है, ये दुकानों में यही दिखाते हैं, मेडिटेट ऑन सेल्फ, एक मोमबत्ती रख देंगे, इसके ऊपर ध्यान लगाइए, आप ऐसे आप देखते रहो, ध्यान लगाओ, क्या ये योगा है? नो, इट्स नॉट योगा। तो असल में योगा है क्या? ये जो वर्ड योगा है, इट कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड जिसे कहते हैं युज। युज मतलब यूनियन। अच्छा, किस चीज का यूनियन है ये? किस चीज का मिलन है? ये मिलन है प्रेम का, यूनियन ऑफ लव। और व्हाट इज द बेसिक प्रीक्विजिट ऑफ लव? शर्त क्या है प्यार का? शर्त, पहला शर्त, बेसिक शर्त क्या है? कि देयर मस्ट बी टू, दो जन होना चाहिए प्यार करने के लिए। लोग अपने सेल्फ लव नहीं कर सकते, जो लोग सेल्फ लव कहते हैं अपने आप में, जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं, उन्हें उसे प्यार नहीं कहते, उसे कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, लाइक देयर आर नार्सिसिस्ट, जो लोग ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे करेंगे, वो लोग अपने आप से प्यार करते हैं। और वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, किसी के साथ मिल नहीं पाते, हंस के बात नहीं कर पाते, अपने शरीर को ही सजाते रहते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट। अच्छा ठीक है, ये नार्सिसिस्ट हो गए, ओके। आजकल तो लोग सेल्फ लव के नाम में खुद से शादी कर लेते हैं, कि इट्स सेल्फ लव, मैं खुद से शादी कर रहा हूँ, दिस इज सेल्फ लव, दिस इज सेल्फ ऑब्सेशन, दिस इज नार्सिसिस्ट। ये लोग दुखी, ये लोग असल में बहुत दुखियारी आत्मा होते हैं, कोई मिलता नहीं है उनको प्यार करने के लिए, या फिर ये अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में अलग दुनिया में रहते हैं, तो ये लोग ये सब करते हैं। लेकिन इट्स नॉट लव, लव मीन्स ट्यू। और ये लव है किसके साथ? ये लव है लिविंग एंटिटी एंड गॉड, जीवात्मा और भगवान के साथ जो प्यार है उसे कहते हैं योगा। द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग, रिवाइविंग नॉट क्रिएटिंग, रिवाइविंग मतलब हमारे अंदर पहले से ही है, उसको हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। क्रिएटिंग मतलब नहीं है अभी, क्रिएट करेंगे, चलो क्रिएट करते हैं, नो, रिवाइविंग, द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग लव बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड गॉड इज नोन एज योगा। तो ये हो गया योगा। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या है योगा का? वो है कर्म योग। बहुत कहते हैं ना, हम कर्म योगी है, हम कर्म करते हैं,
अच्छा कर्मयोगी, अच्छा कर्मयोगी मतलब क्या होता है? कर्मयोगी वो होता है द वन हु हैज कनेक्शन विद गॉड थ्रू हिज एक्शंस, थ्रू हिज कर्मा, मींस वो जो कर्म करेगा उसका कुछ फल वो भगवान को भी अर्पित करेगा, ज्यादा अपने पास रखेगा। मान लो उसने 100% कर्म किया, 70% या 60% अपने पास रखा, 40% या 30% उसने भगवान को दे दिया, ऐसे होते हैं कर्मयोगी। लेकिन कर्मयोगी करेगा वही जो उसको पसंद है, भले ही वो रिक्वायर्ड ना हो, वो भगवान की सेवा ना हो, लेकिन वो करेगा वही जो उसको पसंद है और उसका जो फल है कुछ फल भगवान को दे देगा। देयर इज समथिंग फॉर यू बट समथिंग फॉर मी एज वेल, तो ये हो गया कर्मयोगी। अच्छा ये कर्मयोगी है मतलब वो वही करेगा जो उसको पसंद है, बस भाई अपने भी जितने भी साइकोफिजिकल नेचर होते हैं, हम क्यों सेवा करें, हम क्यों 16 माला जप करें, हम बस कर्म करेंगे उसका फल हम भगवान को दे देंगे, बस दैट्स इट। अच्छा अब आपने एक बहुत ही वंडरफुल वर्ड्स सुना होगा, भगवद गीता में है, सबको याद है ये वर्ड्स, क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संग स्वकर्मणि। ये वर्ड, इस वर्ड्स का असली मीनिंग क्या है? कुछ लोग कहते हैं इस वर्ड्स में बताया गया है सिर्फ कर्म करो जी, सिर्फ कर्म करो, दिन रात कुत्ते की तरह गधे की तरह आप कर्म करो और उसी कर्म में आप पर के मर जाओ, बस कर्म करो। नो, इस वर्ड्स का असली मीनिंग है कि आपको कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन उसका जो फल है उस फल से आपको अटैच्ड होने का कोई अधिकार नहीं है। क्या फल से अटैच नहीं हो सकते? लेकिन जब हम लोग अटैच्ड होते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जोश मिलता है, यस। जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तब हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं अपने ड्यूटीज पे। नो, एक्चुअली जब हम लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, जब हम अपना फुल फोकस अपने कर्म में देते हैं ना, तब हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक लड़के का नाम है रोहित और एक लड़के का नाम है अर्णव। अब जो अर्णव नाम का जो व्यक्ति है वो 50% अपना ध्यान लगाता है रिजल्ट के ऊपर कि मैं सक्सेस होऊंगा या फेल होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा या फेल होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा या फेल होऊंगा। अगर मैं सक्सेस हो गया तो प्रीति मुझसे शादी कर लेगी, अगर मैं फेल हो गया तो प्रीति किसी और के साथ भाग जाएगी, तो मैं क्या करूं? और 50% अपना एनर्जी लगाते हैं ड्यूटीज में, अपने कर्म करने में। लेकिन जो रोहित नाम का व्यक्ति है वो 100% अपना फोकस लगाता है कर्म करने में, तो रिजल्ट किसको अच्छा मिलेगा, अर्णव को या रोहित को? रोहित को अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने 100% जो एनर्जी है उस वो एनर्जी उसने लगाया ड्यूटी पे। तो जब हम फल से अटैच नहीं होते ना, तब हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि जब फल से अटैच मत हो, अपने कर्म में अपने ड्यूटीज में ज्यादा फोकस करो ताकि तुम्हें और अच्छा फल प्राप्त हो। अच्छा तो जो फल है उसका क्या करे? उसको हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्यों क्यों अर्पित करे? ये फ्रूट चाट मैंने खुद बनाया, मैं क्यों दू भगवान को फल, मैं क्यों दू भगवान को सब्जी, मैं खाऊंगा इसे। लेकिन जब हम भगवान को फल देते हैं तब क्या होता है? जब ये फल हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारा जो कर्म है वो कर्म प्यूरिफाई होता है, वो कर्म शुद्ध होता है। जब हमारा कर्म शुद्ध होता है तब क्या होता है? हमारी जो अर्निंग्स है, हमारी जो कमाई है वो भी प्यूरिफाई होती है, वो भी शुद्ध होती है। जब हमारी अर्निंग शुद्ध होती है तब क्या होता है? तब जब हम उस अर्निंग से जब हम फूड खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, वो खाना शुद्ध होता है। जब हमारी खाना शुद्ध होता है तब वो खाने को जब हम खाते हैं तब हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध होता है। जब हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है तब हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि शुद्ध होती है। और जब फाइनली हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, वो स्टेप है ज्ञान योग। तो कर्म योग बेसिकली हमारी बुद्धि को प्रिपेयर करता है ताकि हम ज्ञान योग में एक स्टेप और आगे जा सके। और जब हम और जब वो व्यक्ति ज्ञान योग में जाते कर्म योग से, तब वो समझ पाता है कि अरे जो शास्त्र मुझे पहले समझ में नहीं आ रहे थे वो मुझे अभी समझ में आने लगा है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि प्यूरिफाई हुआ है, अभी मुझे शास्त्र अच्छे से समझ में आने लगे। पहले मैं भगवद गीता समझ में नहीं पाता था, ये क्या दिया हुआ है? लड़ ले, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, चाचा बोल रहा है, सॉरी साला बोल रहा है, तू लड़ ले, जीजू बोल रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, जीजू आपको लड़ना होगा, साला बोल रहा है, लेकिन जीजू बोलता नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, फिर लड़ लेते दोनों मिलकर। नहीं, असल में कृष्ण तो कह रहे हैं अर्जुन को तुम बाहर लड़ो, लेकिन बाहर लड़ने के पहले अर्जुन के मन के अंदर एंजाइटी थी, उस एंजाइटी को दूर किया, तब हमें ये पता चलता है कि हाँ ये जो कृष्ण जो बोल रहे हैं ये अंदर की लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं। काम को लोग इससे लड़ना है, हमें अपने मन से लड़ना है। सबको पब्लिक ग्लोरी चाहिए, लेकिन पब्लिक ग्लोरी के पहले क्या आता है? प्राइवेट विक्ट्री। जब हम अपने अंदर अपने मन को नहीं जीत पाएंगे तब तक पब्लिक ग्लोरी कहां से मिलेगी, ये बता रहे हैं भगवद गीता। और
असल में क्या है, जब ये जो ज्ञान योग में जो व्यक्ति होता है ना, उसको थ्योरिटिकल नॉलेज मिलता है। क्या नॉलेज में? थ्योरिटिकल नॉलेज, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता। लेकिन ये थ्योरिटिकल नॉलेज उसको बहुत आनंद देता है, उसको पता चलता है कि ये दिव्य ज्ञान एक नाव के समान है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। ये जो दिव्य ज्ञान है एक आग के समान है जो हमारे सारे कार्मिक रिएक्शन को जला के भस्म कर सकता है। ये जो दिव्य ज्ञान है ये एक एक्स एक कुल्हाड़ी की तरह है जो हमारे सारे कार्मिक रिएक्शन को, हमारे जो इग्नोरेंस है उसको काट सकता है। उसको पता चलता है कि इस दुनिया में जो दुख का कारण है, वो दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, अविद्या। आप देखिए इस दुनिया में जो लोग दुख पा रहे हैं वो असल में अविद्या के कारण, वो लोग अविद्या के कारण वो लोग दुख पा रहे हैं। अच्छा, कैसे? क्यों? क्या अविद्या है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम बॉडी को सजाते हैं, हम इस पे श्रृंगार करते हैं, इसके डोले बनाते हैं, इसकी डोली उठाते हैं। लेकिन क्या होता है, हार्डवेयर तो अच्छा हो जाता है लेकिन सॉफ्टवेयर फिर भी करप्ट रहता है। तो जब सॉफ्टवेयर करप्ट रहे, जब इधर ही वायरस रहे, जब दिमाग में ही वायरस रहे, तो निकलेगा क्या? वायरस निकलेगा। तो ऐसा उसको समझ में आता है। लेकिन दिव्य ज्ञान के साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ एक खास बात क्या है कि जब तक हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें वो समझ में नहीं आएगी। तो उसको लगता है यस मुझे ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, करूं क्या? तब वो थर्ड स्टेप में जाता है। वो थर्ड स्टेप क्या है? वो थर्ड स्टेप है अष्टांग योग। अष्टांग योग बेसिकली क्या है? डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भगवत गीता में बताया गया है अष्टांग योग में कि जो ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सोते हैं या बहुत ही कम सोते हैं, वो लोग कभी योगी नहीं बन पाते। रेगुलेट होना पड़ता है। और अष्टांग योग मीन्स अष्ट अंग है। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। लेकिन हम यम भी नहीं करते, हम नियम भी नहीं करते, कुछ आसन वासन लगा लेते लेकिन अच्छे से कोई आसन नहीं लगा सकता। शीर्षासन, हेडस्टैंड कौन लगा पाता है? ज्यादातर लोग नहीं लगा पाते हेडस्टैंड। ओ माय गॉड, कुछ लोग हेडस्टैंड लगाते कहां पहुंच जाते उनको खुद ही नहीं पता। हेडस्टैंड, या हम लोग बेसिकली लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रस्त है कलयुग के बॉडी से। कलयुग के बॉडी में बैक पेन और नी पेन आर कॉमन। अगर आपके अंदर वो नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ डिफेक्ट है। आपके अंदर नी पेन और बैक पेन होना पड़ेगा, वरना आप कलयुग के शरीर नहीं है। तो इट्स कॉमन, लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते। इवन प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम का जो बेसिक है वो पद्मासन में बैठना है। जिनके थाइस मोटे है वो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते। लेकिन जो योगी है, जब वो अष्टांग योग में सारे यम, नियम, आसन, धारण, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार सब जब वो लगा लेता है, समाधि तक जब वो लगा लेता है, और जब वो प्राणायाम करता है, तब उसको सच में लगता है यस इस मन को शांत करने वाला है प्राणायाम, हमें सतोगुण तक ले जाने वाला है, काम कंपोज रखने वाला है। पर योग के सतोगुण तक जाने तक है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सतोगुण तक जाने तक तो योग नहीं है, योगा मीन्स मोर, और सतोगुण से भी ऊपर जाना है। तो लेकिन जब वो प्राणायाम करता है उसको अच्छा लगता है, और जो सच में योगी बन जाता है उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं अपने हृदय के अंदर। लेकिन वो परमात्मा को कहते हैं अरे हेलो, आपको दर्शन हो रहे हैं मेरे हृदय के अंदर, लेकिन आप रेसिप्रोकेट तो करो, परमात्मा से खड़े रहते, ऐसे परमात्मा खड़े रहते, लेकिन परमात्मा कुछ बोलते नहीं है वो ऐसे, लेकिन परमात्मा कुछ बोलते नहीं है अरे हेलो रेसिप्रोकेट तो करो, नो रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो ध्यान लगाते रहते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं करते, दर्शन तो होता है। तब वो फोर्थ स्टेप, चार नंबर स्टेप में जाता है। वो चार नंबर स्टेप एंड फाइनल स्टेप क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड, उसे कहते हैं भक्ति योग। जब हम भगवान की प्रेममय भक्तिमय जब हम सेवा करते हैं भगवान की, उसे कहते हैं भक्ति योग, डिवाइन लव। तो जो योगा की लैडर है ये असल में दिस आर द पार्ट्स। कर्म योग एक सीरी है, उसके बाद है ज्ञान योग, उसके बाद है अष्टांग योग, उसके बाद है भक्ति योग। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब अलग अलग रास्ता है, कोई भी रास्ता पकड़ लो, गोल तो सेम है। जैसे कुछ मिशन होता है, मैं मिशन का नाम नहीं लूंगा, मैं हेड बोल देता हूँ, आरके मिशन करके एक है, लेकिन मैं फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी लग सकता है। आरके मिशन, वो कहता है कि यथो मत तथो पर, कोई भी रास्ता पकड़ लो जी। मान लो कोई आपसे पूछे भैया जी मायापुर कहाँ से जाए, इधर से जाओ ये भी मायापुर जाता है, उधर से जाओ वो भी मायापुर जाता है, इधर से जाओ वो भी मायापुर जाता है, इधर से जाओगे तब तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये भी रास्ता मायापुर जाता है, हर रास्ता मायापुर जाता है। क्या ऐसा है? नो, एक बेसिक रास्ता है। मान लो सीधा 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 चलते 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 कन्याकुमारी पहुंच गया, कश्मीर पहुंच गया, और उधर पे तो क्या होगा? नो, ऐसा नहीं है। आप न्यूजीलैंड की टिकट कटाओगे तो न्यूजीलैंड पहुंचोगे, अमेरिका की टिकट कटाओगे तो अमेरिका जाओगे, इंडिया की टिकट कटाओगे तो इंडिया आ जाओगे। कुछ लोग ये भी एग्जांपल देते हैं कि मान लो ये एक तालाब है, इधर से आओ आपको तालाब मिलेगा, उधर से आओ
आपको तालाब मिलेगा इधर से आओ, आपको तालाब मिलेगा उधर से आओ, आपको तालाब मिलेगा। ये शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, हो सकता है हम लोग ईस्ट से आने लगे, ईस्ट में हमें पत्थर मिल गए, पहाड़ मिल गए, और आते 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 हमें लेट हो गया, या फिर हम रास्ते में भूखे प्यासे हम मर गए, या हम आने लगे नॉर्थ से आने लगे। मान लो वहां पर हमें झरना मिल गया, झरना में आते 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 हम बह गए मर गए, या हम साउथ से आने लगे। वहां पर रेगिस्तान है, वहां पर रेगिस्तान है तो गर्मी दिया, बहुत ज्यादा गर्मी दिया, हमें प्यास लगा, पानी नहीं मिला, या हम वहां मर गए। लेकिन जब हम वेस्ट से आए तो इजीली हम पहुंच सकते हैं उस पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि वेस्ट में क्या पड़ता है, मायापुर, श्री श्री राधा माधव। तो हर एक रास्ता होता है, हो सकता है एक सारे रास्ता एक जगह पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ रास्ते लेट पहुंचाते हैं, कुछ कुछ रास्ते जल्दी पहुंचाते हैं। और जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता क्या है, भक्ति योग। और जो हमारे अंदर का जो क्वेस्ट है, जो मेन क्वेस्ट ऑफ हार्ट, वो क्या है, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन, किसी को प्रेम करना और किसी से प्रेम लेना। अगर ये दो नेसेसरी दो कंडीशन अगर पायरेटेड वे में भी अगर पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे कि संसार के प्रेम है, जैसे लड़का लड़की आपस में, और बताओ हाँ, वो जो रेड ड्रेस तुमने पहनी थी ना, बहुत सुंदर लगी थी, और बताओ, मम्मी बुला रही है, बेटा खाना खा ले, आया मम्मी, और बताओ, इसमें उसका पैकेज पूरा फूट जाता है। इवन क्या होता है, रात को उनके ऊपर अपना कंबल रहता है, और बताओ कंबल के अंदर, ओह माय गॉड, पायरेटेड वे में जब होता है वो लोग खाना पीना सब भूल जाते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तब दबा के खाते दबा के सोते, वो दूसरा बात है। लेकिन अगर ये ट्रांसेंडेंटल वे में पूरा हो जाए भक्ति योग, तो जो व्यक्ति भक्ति योग फॉलो करता है उसको पता चलता है कि हाँ, यही असली रास्ता है। मैं जो भगवान को फॉर्मलेस लाइट मानता था, मैं भगवान को बहुत ही ज्यादा लाइट नहीं लेता था, जो वो भगवान लाइट है, लेकिन असल में वो भगवान लाइट नहीं है, उनका एक रूप है, उनका एक विग्रह रूप है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्णा। जब वो उससे प्रेम करता है तब उसको पता चलता है हाँ, यही असली रास्ता है और यही असली वे है भक्ति योग। अब दो वे है, एक तो हो गया लैडर, जो कि हमने चर्चा की, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, लैडर। और दूसरा हो गया एलिवेटर। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, हमें एक सीढ़ी भी मिलता है और क्या मिलता है, एस्केलेटर भी मिलता है। हम लोग कौन सा चूज करेंगे, जो ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो अगर कोई डायरेक्ट भक्ति योग में भी आता है तो भी वो इसको कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन्तर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ता तमो मतः, कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वही असली योगी है। और भजन कौन करता है, सेवा कौन करता है, भगवान की। कर्म योगी नहीं करता सेवा, कर्म योगी तो कर्म करते रहता है, ज्ञान योगी भी सेवा नहीं करता, वो किताब पढ़ते रहता है, अष्टांग योगी भी सेवा नहीं करता, वो अपने आप को साइकिल की तरह मोड़ता रहता, टांग इधर हाथ पीछे, वो भी सेवा नहीं करता। तो सेवा करता कौन है, भक्ति योगी सेवा करता है। तो ये जो हमने चर्चा की, ये थी योगा लैडर, और ये है असली डेफिनेशन ऑफ योगा, क्या है, टू रिवाइव द लव फॉर गॉड, जो कि हमारे अंदर पहले से ही है, उसे हमें रिवाइव करना है, उस प्रेम को, उसे कहते हैं भक्ति योग। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी भक्ति योग को अपनाओ, और इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि बहुत 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 रेयर है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को आप सार्थक करो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।